13 सितंबर 1993 जद्दोजहद आज़ादी फलस्तीन का सौदा कर दिया गया। अमरीका के दारुलहुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की सरपरस्ती में फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात और इसराइल के वज़ीर आज़म इसहाक रोबिन ने ओस्लो अमन मुआहदे नामी दस्तावेज पर मोहर तस्दीक सब्त की। तहरीक आज़ादी फलस्तीन के सरबराह ने सरकारी सतह पर इसराइल को तो तस्लीम कर लिया, लेकिन एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में न ला सके। इस माहदे में इसराइल ने न सिर्फ अपने मुतालबात को ताकत के बलबूते पर मनवाया बल्कि फलस्तीन के बुनियादी और हसास तरीन मुतालबात को भी नज़रअंदाज कर दिया। इन्हीं वजूहात के बाइस ये माहदा अमन की जमानत न बन पाया।